फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, डायरेक्टर शीना कोचिंग क्लासेस रोला जनपद उत्तरकाशी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत। और आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक टॉपिक मैथमेटिक्स का। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और हमारा टॉपिक है औसत, एवरेज। एवरेज का हमारा ये चौथा भाग है फ्रेंड्स। इससे पहले हमारे तीन पार्ट्स निकल चुके हैं और आपसे निवेदन है कि उन तीन भागों को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें। उसमें हमने कुछ आपको बढ़िया सी टिप्स जो है डिस्कस करी हैं और उम्मीद है कि आप उन भागों को देखेंगे। और जब देखेंगे तो यह भी हम उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं। टॉपिक का औसत है और भाग हमारा चौथा है, ठीक है फ्रेंड्स। टॉपिक क्या है? औसत यानी कि एवरेज। और पार्ट फोर्थ पे हम आज बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पांच संख्याओं का औसत 50 है। पांच संख्या है हमारे पास, संख्या कितनी है? पांच, और औसत कितना है? 50 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में दो की वृद्धि करने पर नई संख्याओं का औसत क्या होगा? उदाहरण के लिए पांच संख्याएं, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। और इनका जो औसत है, इन पांच संख्याओं का जो औसत है फ्रेंड्स, वो कितना है? 50 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ रहे हैं, यानी कि इसमें भी दो जोड़ रहे हैं, इसमें भी दो जोड़ रहे हैं, इसमें भी दो जोड़ रहे हैं, और इसमें भी दो जोड़ रहे हैं, इसमें भी दो जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा? अब तब तो नई संख्या बनेगी। इसमें दो की वृद्धि हुई, यहाँ भी दो की वृद्धि हुई, और यानी कि प्रत्येक संख्या में किसकी वृद्धि हो रही है? दो दो की वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। अब हमको ये बताना है कि जो नई संख्या बनी, तो नई संख्या बनेगी, इनमें दो दो की वृद्धि हो गई तो नई संख्या बनेगी, उनका औसत कितना होगा? उनका औसत कितना होगा? उनका जो औसत होगा वो कितना होगा? क्योंकि ये तो पुरानी संख्याओं का औसत था, ये तो तब का औसत है जब हमने, जब ये संख्या, प्रत्येक संख्या दो दो कम थी, लेकिन अब ये दो दो बढ़ गई है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा तरीका? देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका है। आप क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में, पांच संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में दो की वृद्धि करने पर नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? प्रत्येक संख्या में दो दो आप बढ़ा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, औसत में भी दो बढ़ा दीजिए। औसत कितना था आपका? 50, दो जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, कितना हो गया? 52। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 52। कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है कि आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रत्येक संख्या में दो दो बढ़ा रहे हैं। जब आप प्रत्येक संख्या में दो दो बढ़ा रहे हैं तो औसत में भी आपको दो ही बढ़ाना पड़ेगा, आपका आंसर हो जाएगा 50 + 2 कितना? 52, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बढ़ाने वाली बात हो गई है, वृद्धि करने वाली बात हो गई है, या हम कमी करने वाली बात कर रहे हैं कि 20 संख्याओं का औसत 60 है, 20 संख्याओं का औसत 60 है, प्रत्येक संख्या में से 6 घटाने पर या 6 की कमी करने पर, घटाने पर या फिर कमी करने पर, कमी करने पर, कमी करने पर, कमी करने पर, ठीक है फ्रेंड्स, घटाने पर या कमी करने पर क्या लिखा हुआ है? याद हमने वृद्धि की थी, आप समझ गए हैं कि जब हम प्रत्येक संख्या में दो दो की वृद्धि कर रहे हैं तो जो नई संख्या बनेगी उनका जो औसत होगा उसमें भी दो की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात वो इस औसत से दो ज्यादा होगा, क्योंकि हम प्रत्येक में क्या कर रहे हैं? दो दो को जोड़ रहे हैं। यहां भी देखिए कि 20 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है, कितना दे रखा है 20 का औसत? अब देख रहे हैं 20 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। प्रत्येक संख्या में से 6 घटाने पर या 6 की कमी करने पर नई संख्याओं का औसत क्या होगा? वही बात है फ्रेंड्स, आपने देखा 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनका औसत कितना है फ्रेंड्स? इनका औसत है कितना? 60। आप क्या कर रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, 6 संख्या नहीं है, 20 संख्या है हमारे पास पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 संख्या है और इनका औसत कितना है फ्रेंड्स? इनका औसत है आपके पास 60, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 20 संख्या और औसत 60, हमने 20 संख्या बनाई, इनका औसत 60 है, प्रत्येक संख्या में से 6 घटाने पर या 6 की 6 की
कमी करने पर, हम आप लिख सकते हैं छह बढ़ाने पर या छह की कमी करने पर नई संख्याओं का औसत क्या होगा। आप सब में से छह छह माइनस कर रहे हैं, देख लीजिए सब में आप माइनस छह छह कर रहे हैं, कहां तक सीधा 20 तक आप यही तरीका कर रहे हैं, सब में से आप छह छह घटा रहे हैं। तो जब आप छह छह घटा रहे हैं सब में से, तो नई संख्या बनेगी ना, जितनी भाई जो संख्या है आपके पास 20 संख्या, ये पहले छह छह ज्यादा थी, अब ये छह छह कम हो गई है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो औसत में से भी छह घटा दीजिएगा, सीधा छह घटा दीजिए भाई औसत से, माइनस छह ले लीजिए, छह माइनस हो गए कितना हो गए, कितना हो गए 54, बात खत्म। क्योंकि आपने यहां आपने सभी संख्याओं में 2 जोड़ा था, ठीक है, तो जो नई संख्या बनी उनका औसत क्या होगा, जितना औसत पुराना था ना उसमें 2 जुट जाएगा। यहां पर आपने क्या किया, यहां आपने प्रत्येक संख्या में से 6-6 की कमी की, तो जो नई संख्या बनी उनके उनका जो औसत होगा वो इसके औसत से कितना कम होगा, 6 कम होगा। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट थर्ड में 15 संख्याओं का औसत 30 है, 15 संख्याओं का औसत कितना है 30, 15 संख्या है, मान के चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये हमने मिटा दिया, कितनी है फ्रेंड्स 15, 15 संख्याओं का औसत कितना है, अब देख रहे हैं इनका औसत, इनका औसत है 30, 15 संख्याओं का औसत कितना है फ्रेंड्स 30 है। सवाल है 15 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा करने पर नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, 15 संख्या है आपके पास, इसका औसत कितना है 30 है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं सभी संख्याओं में 2-2 की गुणा कर रहे हैं, देख लो ये 2-2 की गुणा कर रहे हैं, कहां तक 15 तक पूरा, ये तो जो नई संख्या बनेगी, बनेगी ना नई संख्या, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जो पहले थी आपके पास 20 संख्या उनमें आप सब में 2-2 की गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नई संख्या आपके पास प्राप्त होगी उनका औसत कितना होगा। उसके लिए वही सिंपल तरीका जो हमने यहां पे किया कि भाई अगर आप सभी संख्याओं में 2-2 की गुणा कर रहे हैं ना, तो औसत में भी 2 की गुणा कर दीजिए, ये लीजिए 2 की गुणा हो गई औसत में, कितना हो गया औसत आपका 60 हो गया, बात खत्म, ठीक है भाई। प्रत्येक संख्या में आप क्या कर रहे हैं 2-2 की गुणा कर रहे हैं, तो औसत में भी 2 की गुणा कर दीजिए तो 60 हो जाएगा। ये देख लीजिए चौथा टाइप देखिए कि 21 संख्याओं का औसत 60 है, कितनी संख्या है 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इनका औसत कितना है फ्रेंड्स, इनका औसत है 60, ठीक है। और क्या लिखा है कि प्रत्येक संख्या में से संख्या में 3 का भाग देने पर नई संख्या का औसत क्या होगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक में 3 का भाग दे रहे हैं, देख लो ये कहां तक पूरा 21 तक, अब क्या होगा देख लीजिएगा जरा क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में आप 3 का भाग दे रहे हैं, जब 3 का भाग दे रहे हैं तो नई संख्या बनेगी, उन नई संख्याओं का औसत कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे रहे हैं तो औसत में भी 3 का भाग दे दीजिए, ये लीजिए औसत में 3 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 20, नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 हो जाएगा। जरा एक बार फिर से देखें, अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करते हैं, अगर हम प्रत्येक संख्या मुझे जितनी भी है, यहाँ 5 संख्या का औसत 50 है, यहाँ 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, औसत भी कितना ही हो सकता है, अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करते हैं तो औसत में भी 2 की वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, जो नई संख्या बनेगी उसमें 2 की वृद्धि होगी। और अगर हम प्रत्येक संख्या में 6 की कमी करते हैं, देख लीजिए जो जैसे सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 6 की कमी कर रहे हैं, अगर हम प्रत्येक संख्या में 6 की कमी करते हैं तो औसत में भी 6 की कमी होगी, सीधी सी बात है। वृद्धि करते हैं प्रत्येक संख्या में कुछ बढ़ाते हैं तो औसत में भी उतना ही बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाते हैं तो औसत में से भी उतना ही घटेगा, प्रत्येक संख्या में किसी की गुणा करते हैं, प्रत्येक संख्या में भाई जो संख्या दी है जैसे 15 संख्या का औसत 30 है, कहा है कि सब में 2 की गुणा हो रही है तो औसत में भी 2 की गुणा होगी, नया जो औसत होगा वो 60 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्रत्येक संख्या में अगर हम किसी की गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी हमको उतने की ही गुणा करनी होगी, तो वो हमारा आंसर होगा, जो नई संख्या बनेगी वो उनका आंसर होगा। लास्ट,
प्रत्येक संख्या में जिसका हम भाग देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 21 संख्या का औसत 60 है, प्रत्येक संख्या में 3 का भाग देने पर नई संख्या का औसत क्या होगा? क्या कर रहे हैं हम? प्रत्येक में 3 का भाग दे रहे हैं तो औसत में भी 3 का भाग देंगे। प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं तो उतना ही औसत में जोड़ो, क्योंकि जो नई संख्या बनेगी उनका औसत होगा। प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा रहे हैं या कमी कर रहे हैं उतना ही औसत में से भी कम कर दो, वो नई संख्या का औसत होगा। प्रत्येक संख्या में किसी की गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी उसी की गुणा करो, उतने की ही गुणा करो, वो आपका आंसर होगा। और अगर आप प्रत्येक संख्या में किसी का भाग दे रहे हैं, आप जैसे देख रहे हैं संख्या 21 है और प्रत्येक में 3 का भाग दे रहे हैं, तो औसत में भी आपको 3 का भाग देना होगा। 60 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल तरीका इस तरह के सवाल आपको करने का, और हमने आपके साथ डिस्कस किया औसत का पार्ट 4th। और इसके बाद हम पार्ट 5th में आपके साथ और महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। जरूर देखिएगा पार्ट 5th, पार्ट 6 और पार्ट 7। इसके बाद आने वाले जितने भी भाग होंगे वो भी महत्वपूर्ण होंगे, वो भी इतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने महत्वपूर्ण ये हैं। लेकिन आपसे उम्मीद है और आशा करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, और अगला जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे हम आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे औसत के अगले नेक्स्ट टाइप के जो सवाल होते हैं उनकी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।